अमेरिका में अब तक चुनावी नतीजों पर ट्रंप ने उठाए सवाल, ट्वीट में लिखा धोखाधड़ी रोको। एक ट्रंप ने कहा इस धोखाधड़ी के खिलाफ लड़ेंगे, जनता नहीं करेगी माफ। वोटों की गिनती में धांधली के ट्रंप के आरोपों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने माना आधारहीन। ट्रंप के आरोपों पर बाइडेन का जवाब, एक एक वोटों की होगी गिनती, कहा उनकी जीत में कोई शक नहीं। जीत की तरफ धीरे धीरे बढ़ा है बाइडेन ने कहा, डेमोक्रेट की तरह लड़ा, राष्ट्रपति की तरह करूंगा काम। एलएसी पर तनातनी में कमी करने की एक और कोशिश, आज भारत चीन के सैन्य कमांडरों की चुशूल में बैठक। भारत चीन के बीच आठवें दौर की बातचीत में नतीजा निकलने की उम्मीद, एलएसी से सैनिकों की भारी तादाद और हथियारों की तैनाती कम करने पर होगी बात। एलएसी पर चीन के साथ तनातनी के बीच बंगाल की खाड़ी में चार देशों की मालाबार नौसेना संयुक्त अभ्यास जारी है। उड़ीसा के पारादीप में तटरक्षकों ने की सागर कवच संयुक्त अभ्यास, आतंकी खतरों से समुद्री सरहदों को सुरक्षित रखने की कवायद। इटली के साथ रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में एक और कदम, आज पीएम मोदी के इटली के प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय बातचीत। प्रचार के आखिरी दिन चिराग पासवान ने फिर नीतीश पर किया प्रहार, सुपौल में कहा युवा विरोधी सोच वाले नीतीश सबसे कमजोर सीएम। प्रचार खत्म होने से पहले तेजस्वी ने खेला इमोशनल कार्ड, हाजीपुर में जनता से मांगा एक मौका, कहा मिलकर करेंगे विकास। मधुबनी में राजनाथ सिंह ने भी जनता को जंगल राज से किया सावधान, कहा नीतीश ने नहीं खाया कोई चारा ना ही लाठी, पिलवान रैली। समस्तीपुर में बद इंतजामी पर रोड शो के बीच में छोड़कर लौटे सुशील मोदी। प्रचार थमने से पहले पीएम ने लिखी बिहार के नाम चिट्ठी, चिट्ठी में कहा डबल इंजन की ताकत से ऊंचाइयों पर पहुंचेगा राज्य। अमित शाह के मिशन बंगाल का आज दूसरा दिन, कोलकाता में पार्टी इकाई के साथ चुनाव की तैयारियों पर करेंगे चिंतन। आज तक के साथ खास बातचीत में अमित शाह का दावा, दो तिहाई बहुमत के साथ बंगाल में बीजेपी बनाएगी सरकार। यहां सर्विजय सुनिश्चित, दो तिहाई बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार बनाने जा रही है, ममता दीदी इसको रोक नहीं सके। अमित शाह का ममता सरकार पर निशाना, कहा सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं की हुई हत्या मगर नहीं हुई कोई गिरफ्तारी। अमित शाह ने कहा वक्त आने पर बंगाल में बीजेपी का चेहरा भी आएगा सामने। आईपीएल सीजन 13 के फाइनल में मुंबई ने मारी एंट्री, क्वालिफाइंग राउंड में दिल्ली को 57 रनों से दी टक्कर। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने 20 ओवर में 5 विकेट पर बनाए 200 रन, जवाब में दिल्ली ने 143 रन पर तोड़ा दम। मुंबई की तरफ से सूर्य कुमार यादव ने 51 और ईशान किशन ने जड़े 55 रन, डिकॉक और हार्दिक ने भी बल्ले से दिखाया दम। बुमराह ने दिल्ली के बल्लेबाजों की एक ना चलने दी, सिर्फ 13 रन देकर चार बल्लेबाजों को दिखाया पवेलियन का रास्ता। दिल्ली की तरफ से मार्क्स स्टॉइनिस ने जीत के लिए किया संघर्ष, बनाए 65 रन, हार के बाद भी फाइनल में जाने की दिल्ली की आस बाकी है।